नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कोल्ड क्लाइमेट के बारे में। दोस्तों, कोल्ड क्लाइमेट भारत के उत्तरी शोर यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में पाया जाता है। अगर आपका घर इन जोन्स में आता है तो आप यकीनन एक कोल्ड क्लाइमेटिक जोन में आते हैं और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको मदद कर सकती है आपके घर को और बेहतर तरीके से बनाने में या और उसके अंदर जो कम्फर्टेबल कंडीशन है उसको क्रिएट करने में। आपका घर इस क्लाइमेट जोन में आता है तो सबसे ज़रूरी है आपके घर के लिए कि आपके घर में एक बेहतर थर्मल इंसुलेशन हो, जिससे कि अंदर की जो गर्मी है वो बाहर ना जाए और बाहर की जो ठंड है वो भी अंदर पेनिट्रेट ना करे। दूसरा, आप अपने घर में ज़्यादा बेहतर तरीके से नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन का इस्तेमाल कर सकें, इसलिए आपको घर में बड़ी खिड़कियाँ प्रोवाइड करनी है। बड़ी खिड़कियाँ सिर्फ लाइट ही नहीं देंगी बल्कि सूरज की गर्मी को भी आपके घर के अंदर तक पहुँचाएंगी, जिससे कि आपका घर गर्म रहने में आपकी मदद करेगा और एक कम्फर्टेबल कंडीशंस क्रिएट होंगी। इसमें हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेंटेन कर लें नेचुरली, ऐसा बहुत कम मुमकिन है, लिहाजा हमें एक फोर्स्ड सिस्टम लगाना पड़ता है जैसे कि हीटर्स या ब्लोअर्स, जिससे घर का टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। तीसरा जो सबसे मुख्य पॉइंट ये है कि आपके घर का जो ओरिएंटेशन है वो साउथ या साउथ वेस्ट रीजन में होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादातर आपका घर उन इलाकों में उस एरिया में रहे जहाँ से आपके घर पे ज़्यादा धूप पड़ सके और आपके घर ज़्यादा देर तक गर्म रह सके। इससे आपके अपने घर को गर्म करने में ज़्यादा मदद मिलेगी और एक कंफर्टेबल कंडीशंस क्रिएट होंगी। इसके अलावा आपको अपने घर में नेचुरल वेंटिलेशन को मेंटेन करना है। नेचुरल वेंटिलेशन आप खिड़कियों द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि जितनी भी आप खिड़कियां प्रोवाइड करें वो विंडवर्ड डायरेक्शंस में ना हो तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके घर में बाहर की जो ठंडी हवाएं हैं वो अंदर घुसेंगी और आपके घर के टेम्परेचर को और डाउन करेंगी। इसके अलावा आप अपने घर की छत को कोशिश कीजिए कि स्लोपी रखिए, क्योंकि ये एक कोल्ड क्लाइमेटिक जोन है जहाँ पर बर्फबारी होगी और बहुत समय तक हो सकता है बारिश भी हो। ऐसी कंडीशन में अगर स्लोपिंग रूफ रहेंगी तो ज़्यादातर बर्फ स्लाइड ऑन हो जाती है और बारिश भी स्लाइड ऑन हो जाती है, जो कि आपके घर की छत पर बहुत देर तक नहीं टिकी रहेगी और आपके घर को ठंडा नहीं करेगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।